सबसे पहले मैं अपने अब आप जो तशरीफ लाए हैं साथी भाई उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि चार नोटिस पे हमारे दरबार में तशरीफ लाए। आप लोग बासान करम हैं, आप लोग बासान इनकी सालत हैं, तमाम सूरत है शाही हैं, कल दोस्त हैं और माशरे में अच्छी रुकन है। आपको पता है कि आजकल मामला चल रहे हैं कोरोना वायरस के बायस, पिछले लगभग 3 माह से मामला से निकल चुके हैं और सबसे जो मुतासरा तबका है ये शुबा है वो तालीम। अगर आप इस्लाम का गौर मुताला करें तो हमारे पास एक इल्मी विरासत है जिसका हम फख्र कर सकते हैं और बदकिस्मती से पाकिस्तान में इल्म सिर्फ इसलिए कि आज कोरोना वायरस है, इससे पहले भी कभी हमारी प्रायोरिटी नहीं रही। हम साबित कर रहे हैं कि हम बाज़ार खोलेंगे, हम मंडी खोलेंगे, हम पीको की दुकानें खोलेंगे, लेकिन स्कूल हम नहीं खोलेंगे, कॉलेज नहीं खोलेंगे। ये मामला सिर्फ निजी अदारों का नहीं है, ना हम ये मुतालबा कर रहे हैं निजी अदारे खोलेंगे, ना हम ये कह रहे हैं कि स्कूल खोलेंगे। हमारा मुतालबा ये है कि तालीम का शोबा जो पहले ही नदाम का शिकार है उसे खोल दीजिए। और अगर आप ये तवक्को कर रहे हैं, अगर हुकूमत ये तवक्को कर रही है कि मंडी के अंदर जो लोग हैं आड़ती हैं और जो शॉपकीपर हैं और जो बस असिस्टेंट के जो मैनेजर्स और हकर हैं वो SOPs कवर कर सकते हैं, तो हमसे ये तवक्को क्यों नहीं की जा रही जबकि हम नस्बत उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, हम नस्बत उनसे ज़्यादा आगाही रखते हैं, तो हमसे ये तवक्को क्यों नहीं की जा रही कि हम उन SOPs पे ज़्यादा अच्छा अमल कर सकें। दूसरा, आप देख रहे हैं कि हर वो तमाम शोबा के बारे में जो है वो मुख्तलिफ पैकेजेस अनाउंस किए गए, हमारे लिए वो भी कहीं भी नहीं है। और अब मजबूर हो गए जब आप सब अदारे खोल चुके हैं, आपने लॉकडाउन किया है वो आपके सामने उसकी सूरत हाल है, आप साहब भाई सजा भी तो जानते हैं, उसके जो असरात हैं वो आपके सामने हैं, और जब सब अदारे खोल दिए गए हैं तो फिर वाई नाट के जो निजी स्कूल अदारे हैं और गवर्नमेंट अदारे हैं वो ना खोले जाएँ। SOPs हमारे ज़्यादा सख्त तरीके हैं। ये जो अभी गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है बच्चों को पास कर देने वाला, ये बिल्कुल वही मामला होगा जो आज से कुछ साल पहले वाया बठिंडा भी होगा कि इन लोगों को जब ये ज़िंदगी के शोबे में जाएँगे, जब ये अपनी अपनी ज़िंदगी में जाएँगे तो अदारे उनको जॉब नहीं देंगे, इसलिए कोरोना पास FA होंगे, कोरोना पास मैट्रिक होंगे, कोरोना पास BA होंगे। और इसमें जो नुकसान हुआ है वो उन बच्चों का है जिन्होंने आगे मुकाबले के इंतजार देने थे, जिन्होंने मेडिकल में जाना था, और मैं यकीन रखता हूँ कि जब ये सिलसिला कभी दोबारा शुरू होगा तो यकीन है कि मैं से बहुत से बच्चे रिपीट करेंगे। एक दूसरी बात इसमें आप राजू भाई इसके दुआ हैं, कुछ शोबा भी ऐसे होते हैं जिनकी नस्बत जो है वो बड़े बड़े आला अरफा फराज से होती है या किसी इज्म से होती है। हम भी पूरे पाकिस्तान के स्कूल हैं, टीचर है, वो शोबा तालीम से वस्ता तालीम है और खुदा के रसूल के पास तमाम तर टाइटल थे, आप खातमुन नबीयीन हैं, आप सबसे मौतबर नबी हैं, आप साहिब शरीयत नबी हैं, आप पे जो सिलसिले को ख़त्म कर दिया गया, लेकिन ख़ुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात पे फख्र किया है और वो है थाना उस्ताद बना के दिया गया। ये गुज़श्ता 4-6 माह में सोशल मीडिया पे या वैसे भी हेट कैंपेन चल रही है अदारों के बारे में, और ये खुद ही अज्यूम कर लिया गया कि पाकिस्तान के जितने स्कूल हैं या जितने कॉलेजेस हैं वो तो बहुत खाते पीते हैं, वो लाखों फीस देते हैं। मोर देन 90% ऐसे स्कूल हैं जिनकी अपनी बिल्डिंग्स भी नहीं है, जिनकी फीस 1000 रुपये से कम है, और इस बदतरीन लॉकडाउन में भी तमाम तर स्कूल जो हैं मुमकिन हद तक ऑनलाइन यूट्यूब चैनल SMS व्हाट्सएप हम जितना कर सकते हैं वो कर रहे हैं। इसके नाम का यह है कि जहाँ पर सारे स्कूल सारे अदारे खोल दिए हैं वहाँ स्कूलों को भी यकम जून यानी मंडे से खो दिया जाना चाहिए। हाँ, हमारे SOPs अगर आप समझते हैं तो मज़ीद सख्त कर लीजिए, लेकिन अगर ये मज़ीद ऐसे रहा तो ना सिर्फ अदारों का माशी कत्ल होगा बल्कि आपने पढ़ा भी होगा कि एक आध खुदा से जिन्हें सीख करें उनके गुरुओं को वसूदा करें कि खुदकुशी अटैम्प्ट हो गई है बल्कि खुदकुशी कर ली गई है इसके इस। और अगर फिरार के किनारे पर मरने वाले कुत्ते का जिम्मेदार
खलीफा हो सकता है, तो एक शख्स जो इंसानी जिंदगी है उसके मर्डर का भी, नादानी मौत का भी जिम्मेदार कोई हुकूमती अहदेदारी होगा, कोई हुकूमत हो सकती है। तो हमारा ये मुतालबा है कि फौरी तौर पर मुनासिब एक्सपीज के साथ स्कूलों को खोला जाए, नंबर वन, कॉलेज को खोला जाए, नंबर टू, जो ये इम्तहान का सिलसिला ख़त्म करके आपने डिग्रीज अवार्ड करने की का फैसला किया है, ये नामुनासिब फैसला है, इसे रिवर्स करना चाहिए। और हंगामी बुनियादों पर जिसमें प्राइवेट शोबा भी आपके साथ काम करने को तैयार है, अपने तालीम देने को तैयार है, अपने स्कूल अपने सेंटर बनाने को तैयार है, और ये तमाम जो पेपर्स मुलतवी कर दिए गए, ख़त्म कर दिए गए हैं, मनसूख कर दिए गए हैं, उन्हें दोबारा लिया जाए। सेशन को थोड़ा सा कम कर लें, दो माह का, दो साल में जो बैकलॉग है चार छः माह का ये ख़त्म हो जाएगा और दोबारा से सिलसिला तालीम अपने पैटर्न पर आ जाएगा 2021 में। बट अगर इसे आपने मज़ीद तकलीफ का शिकार किया, अब से इसे घंटों के हिसाब से तकलीफ की गई, तो इसका खमियाजा सदियों भुगता जाएगा। ये ना अदारे दोबारा अपने पाँव में खड़े होंगे, ना बच्चे चार छः माह से तरीक के सिलसिले मुनकता हैं। आप लोगों को तो आप में से बहुत से साहिब औलाद हैं, आप लोग हमारी बेटियों का यकीनन एहतराम करेंगे कि आपने अपने घरों में बच्चे दो तीन माह रख के देख लिए हैं, ये बहुत मुश्किल है। और वो बेटियाँ जो हमारे यहाँ पढ़ाती हैं स्कूलों में और कॉलेज में, वो आज भी काम कर रहे हैं, तो किस मेहनत और मोहब्बत से वो काम कर रहे थे। लेकिन हमारे यहाँ भी होता है कि तो संडे को छुट्टी हो और मंडे को बच्चा आए तो वो एक बैकलॉग का शिकार हो जाता है। किया जाए कि 16 मार्च से स्कूल बंद कर दिए गए हैं और उसे मज़ीद आगे, चूँकि बाकी सारे इदारे एजुकेशन कर लेते हैं, चौक में खड़े हो जाते हैं, पंपलेट उठा लेते हैं, इसलिए वो तो सारे खोल दिए गए। हम चूँकि शोबे से मुंसलिक हैं, जो पेशा कारंगरी भी है, तो ना हमारे लिए मुनासिब है कि हम चौकों में खड़े होकर जलसे करें, जुलूस करें, नारे लगाएं, इसलिए हमें वो रामदा या दरगाह बना दिया गया है। और कुछ हुकूमती माहिरीन जो हैं वो भी इस एक कंपेन में शिकार हैं, वो भी जब स्टेटमेंट्स देते हैं तो भी स्टेटमेंट दे देते हैं और खुद ही फैसला करके इंतहाई गैर मौजब अंदाज है, जबकि आपकी किताबों में, आपकी मजहबी किताबों में, आपके लिटरेचर में, आपके वालदैन वो सब आपको बता चुके हैं कि उस्ताद का एहतराम क्या है। अगर आपने हमसे फायदा की बात भी करने का मतलब अच्छे अंदाज होनी चाहिए। और अभी तो हमारा जो बुनियादी मुतालबा है वो ये है कि ये एक ना सिर्फ मुआशी कतल होगा बल्कि नस्ल की कुर्बानी होगी जो इस पर पड़ रही है। लगभग 2.5 करोड़ लोग जो बच्चे यूनिवर्सिटी के जेर तलीम हैं, आप उनके साल की ज़िंदगी ज़ाया करते हैं। और कम अज़ कम वालदैन और उस्ताद पे ये बात होना चाहिए कि वो अपनी जान दे के अपने बच्चों की हिफाजत करने को तैयार होते हैं। आपको भी वालदैन पता होगा, तो हमारे पास बच्चे यहाँ पढ़ने आएंगे तो तमाम एसओपीस हम तो इससे पहले भी कर रहे हैं। अगर आप गवर्नमेंट शोबे का एक बेहतरीन स्कूल ले लें और हमारे एक आम सा स्कूल लें, वो अंदाज़ा हो जाएगा कि बुनियादी स्कूलों कितना फ़र्क है। अगर इस नादानी सूरत हाल में मज़ीद देर करेंगे, लेकिन इसे मज़ीद बंद रखना ये इंतहाई ख़तरनाक होगा, दोनों सिलसिले तलीम के हवाले से भी और इन अदारों की जो रीढ़ की हड्डी है। हमें 90 लाख लोगों को रोज़गार दिया होगा, 90 लाख लोग जब आप बेरोज़गार कर देंगे तो दोबारा वो कहाँ से उनकी लाइफ ज़िंदगी की उस दौड़ में वापस आएंगे। 90 लाख लोग जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर में शोबा तलीम से मुंसलिक हैं, वो लेक्चरार हैं, प्रोफेसर हैं, वो टीचर्स हैं पूरे पाकिस्तान में। और ये कोई भी अदारा, शायद 2% ऐसे अदारे हों जो मज़ीद 6 माह आपको ये बर्दाश्त कर सकें, अगर बाकी अदारों बंद होकर ताला लगा दिए जाएँ। और ताला लगाने के बाद ये तो हो नहीं सकता कि जो टीचर्स बेरोज़गार होंगे उन्हें गवर्नमेंट भी कैसे गिरी आपने इनकी जो है वो सैलरीज दीजिए, जब अदारे ख़त्म हो गया तो उसको कानून भी अप्लाई नहीं करता होगा। और इस वक्त अदारे बंद हो रहे हैं और बेशुमार अदारे बंद होने के दाने पर खड़े हैं। हुकूमतों का काम रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना है, सहूलतें देना है, आवाम की जिंदगी काम करना है, ना कि मिसाइल खड़ा करना है। हमें डूबने दें गवर्नमेंट और एक मुनासिब एसओपीज़ के साथ अदारों को फौरी तौर पर, इवन हमारा मुतालबा यह है कि जब जून से जो है वो खोलने की इजाज़त दी जाए, अदरवाइज फिर ये अगले स्टेप के तौर पर जो फेडरेशन है वो आल ओवर पाकिस्तान हम ये फैसला करके मजबूर होंगे कि हम भी पंजाब असम्बली के बाहर या सेक्रेटरीट के बाहर एक
बड़ा कैंप लेके बैठ जाए और उस वक्त वहाँ से ना उठें जब तक ये अदालत में खुलने का फैसला ना हो सके। ये मेरी पहली गुजारिश थी। ज़ाती तौर पर एक बात करूँ, इस वक्त मेरी ट्यूशन थी वो थी आल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन के जब सेक्रेटरी के तौर पर। ज़ाती तौर पर हमने यहाँ जो मेरा बाप बैठे हैं ये जानते हैं और खुद भी कर रहे हैं, हमने अभी तक सहज भी नहीं है, अभी तक पढ़ा भी रहे हैं ऑनलाइन। हमारा स्टाफ उसी तरह से जिसकी दुआई आपको तमाम हमारे वालदे वो दे सकते हैं, और हुकूमत ने कहा था 20% फीस कम लीजिए, हम 32.5% फीस कम ले रहे हैं, लेकिन मजीद देर तो अभी जो है बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। इसलिए हम्बल रिक्वेस्ट है जो अरबाब हर वक्त है तो इस पर मुस्बत और मुनासिब फैसला करके मजीद सब्र का इम्तहान ना लिया जाए इन निजी अदारों का और ना जुल्म किया जाए उन बच्चों का। बल्कि अगर आप ये समझते हैं तो चले निजी अदारों को 10 दिन बाद खोल लीजिए, गवर्नमेंट अदारे फौरन खोल लीजिए। इस कौम के साथ जुल्म ना कीजिए, इन बच्चों के साथ जुल्म ना कीजिए। हमने तो वो बच्चे जो जिन्होंने 1971 में मैट्रिक किया था वो देखे कहाँ हैं, उनका भी ख्याल था कि उन्हें पास कर दिया गया और शायद कुछ लोग जो है किसी मेन स्ट्रीम में आगे इस तरह डिग्रियाँ बांटी जाएंगी। तो ये उससे बदतरीन है जिसका रोना पीटते रहते हैं कि जैली डिग्रियों वाले हमारे हुक्मरान बन गए। वो जैली डिग्रियाँ तो कहीं से लेते थे, अभी वो जैली डिग्रियाँ गवर्नमेंट खुद दे रही है कि आप हमसे ले लीजिए, आप पास हैं। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। मैं अपने साथियों से रिक्वेस्ट करूँगा अगर उनको बात करनी है, आप उनको पूछनी हो तो मैं हाजिर हूँ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह शुक्रिया आपको।